हिमाचल प्रदेश में समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनकी शिक्षा के सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश में जो मेधावी छात्र होते हैं और अलग अलग वर्गों के छात्र हैं उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। तो ये वाली जो छात्रवृत्तियां राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है, पहला है डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, और एचपी बोर्ड के अंतर्गत जो भी स्कूल हैं उनमें जो 10वीं कक्षा के शीर्ष 1250 छात्र जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनको, और इसके अलावा 1000 जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 12000 और 10000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो यानी कि 1250 वो होंगे जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं उनको, और 1000 वो होंगे जो स्टूल ट्राइब में आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग में। तो जो स्टूल कास्ट के होंगे उनको 12000 और स्टूल ट्राइब के 10000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। और अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ था उसमें 1430 अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एसटी और 1657 एससी के छात्रों को इससे लाभ हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना स्वामी विवेकानंद, इसमें जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं ये उनके लिए है, और उनमें जो 2000 शीर्ष यानी कि 2000 जो टॉपर होंगे जो 10th क्लास में टॉप करके आएंगे उनको 10000 रुपए दिए जाते हैं, वो एचपी बोर्ड के ही होने चाहिए। और इस योजना से 3171 छात्र लाभान्वित हुए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, इसमें जो अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले 100 लड़कियां और 100 लड़कों उनको 10वीं कक्षा के आधार पर 11000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, यानी कि जो टॉपर होंगे 200 उनमें टॉपर 100 लड़कियां 100 लड़के, 10th में उनके जितने मार्क्स होंगे एचपी बोर्ड के अगर टॉपर होंगे तो इसमें उनको 11000 प्रतिवर्ष मिलेंगे। ये योजना है ठाकुर सेन नेगी छात्रवृत्ति योजना, और इसमें 231 छात्र अभी तक लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। तो इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो भी वाल्मीकि परिवार होते हैं, वाल्मीकि परिवारों की जितनी भी हिमाचली लड़कियां हैं उनको 9000 रुपये मिलते हैं, और इसे अभी एक छात्र ही लाभान्वित हुआ है। इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, अभी तक बात हो रही थी 10th की, अब बात हो रही है 12th की, यानी कि एचपी बोर्ड के जो 12वीं के शीर्ष 10 छात्र होंगे तो प्लस टू में जो टॉपर 10 होंगे वो जो भी कोर्स करेंगे या आगे पढ़ाई करेंगे उनको प्रतिवर्ष 10000 रुपये दिए जाएंगे, और इस योजना से अभी तक 37 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति। सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में अध्ययनरत हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स सुजानपुर टीरा हमीरपुर में पढ़ते हैं और वो हिमाचल के स्थायी निवासी हैं उनको ही सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। और सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति योजना है यह 6ठी कक्षा से प्लस टू तक प्रदान की जाती है, और इससे 148 छात्र लाभान्वित हुए। नेक्स्ट इज एनडीए छात्रवृत्ति योजना, जो नेशनल अकेडमी खड़कवासला पूना में है, तो नेशनल अकेडमी में जो भी हिमाचल के छात्र हैं उनको यह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है विभिन्न दरों पर यानी कि अलग अलग रेट्स पर। नेक्स्ट है कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, इसमें जो प्लस टू की 2000 छात्राएं होंगी उनको योग्यता के आधार पर ग्रुप वाइज साइंस कला और वाणिज्य यानी कि साइंस आर्ट और आर्ट्स और कॉमर्स के जो प्लस टू के 2000 स्टूडेंट्स होंगे गर्ल स्टूडेंट्स उनको एवरेज के आधार पर तीनों जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें एचपी बोर्ड द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो उनमें जो टॉप पे 2000 आएंगे, फॉर एग्जांपल 4400 या 6600 तीनों 600 साइंस के 600 आर्ट्स के 600 कॉमर्स के, तो उनको 12वीं के बाद की जो स्टडीज है उनके लिए 15000 रुपये दिए जाते हैं। और कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना में अभी तक 1954 छात्र लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इसमें 85 छात्र अभी तक लाभान्वित हुए हैं। किसी भी भारतीय तकनीकी संस्थान और अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान में डिग्री कोर्स भारतीय प्रबंधन अनुसंधान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद झारखंड में और भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलोर के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त होने पर 75000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज छात्रवृत्ति, इसमें 8 छात्र अभी तक लाभान्वित हुए हैं। और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज छात्रवृत्ति में 2000 रुपये की
प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है जो हिमाचल के मूल निवासी हैं। और जो भारतीय सैन्य कॉलेज आर्मी कॉलेज देहरादून में 8वीं से लेकर 12वीं तक स्टडी कर रहे हैं उनको यह छात्रवृत्ति दी जा रही है। नेक्स्ट है IRDP छात्रवृत्ति योजना। जो छात्र IRDP परिवारों से हैं और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को 9वीं और 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 300, 11वीं और 12वीं के उनको 800, जो कॉलेज के छात्र हैं उनको 1200 और आवासीय छात्रों के लिए 2400 प्रतिमा दिया जा रहा है और इससे 4076 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। नेक्स्ट, विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए, दिव्यांग हुए सशस्त्र सेनाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है, हालांकि इसमें कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है 2020-21 में। तो विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए, दिव्यांग हुए सशस्त्र सेनाओं के बच्चे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। तो इस योजना के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र को 300 प्रतिवर्ष, छात्रा को 600 प्रतिवर्ष, प्लस वन प्लस टू के छात्र छात्राओं को 800 प्रतिवर्ष और महाविद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पर छात्र छात्राओं को 1200 रुपये प्रतिवर्ष एवं आवासीय छात्र एवं छात्रा को 2400 प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना। इसमें भारत में जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 1,00,000 तक का ऋण 4% की सीमा पर ब्याज सब्सिडी दी जा रही है, यानी 1,00,000 रुपये दी जाएगी और ओनली 4% का ब्याज उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। और इस योजना के तहत 2020-21 के लिए 1115 जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे लाभ हुआ है। तो ये योजना थी जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है। थैंक यू।